के झिंगाबाई टाकली स्थित राधे लॉन में नरसम राज गरबा द्वारा चार दिवसीय गरबा नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसका परिसर के गरबा प्रेमियों ने जमकर आनंद लूटा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी इस गरबा नाइट्स में गरबा खेलते नजर आईं। नवरात्रि आते ही चारों ओर गरबे की धूम देखने को मिलती है। वहीं नागपुर के झिंगाबाई टाकली परिसर में भी संस्कार फाउंडेशन द्वारा आयोजित राज गरबे की जोरों शोर से चर्चा हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी संस्कार फाउंडेशन की अध्यक्षा प्रणाली मानमोड़े ने खासकर महिलाओं के लिए अंजना देवी सभागृह में राज गरबे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं बुजुर्ग महिलाएं भी गरबे की धुन में थिरकती नजर आईं। संस्कार फाउंडेशन अध्यक्ष संस्कार फाउंडेशन तर्फे आम्ही झिंगाबाई टाकले मध्ये एक सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन करीत असतो। तसेच महिलांविषयी जे कार्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रम अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आमचे चालू असतात। यामध्ये महिलांविषयी आम्ही श्रावण महोत्सव, संक्रांती महोत्सव आणि नवरात्री महोत्सवाचे आयोजन मोठ्या प्रमाणात करीत असतो। त्यामध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात भाग घेत असतात आणि आपल्या कलागुणांना वाव मिळत असतो। प्रत्येक स्त्रीमध्ये सुप्त गुण असतात आणि त्या सुप्त गुणांना वाव मिळणे फार गरजेचे असते। तर ह्या कार्यक्रमांमध्ये महिला भाग घेऊन आपल्या सुप्त गुणांना बाहेर काढत असतात आणि वाव देत असतात। यावर्षी आम्ही नवरात्र महोत्सवमध्ये आमच्या सोबत अंबिका ग्रुप फ्युजन ग्रुप सोबत घेतलेले आहे आणि सोबत मिळून आम्ही ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। ह्या कार्यक्रमाला झिंगाबाई टाकळीतील महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला लाभलेला आहे। संस्कार फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस गरबा उत्सव में फ्यूजन डांस एंड जुम्बा फिटनेस स्टूडियो साथ ही अंबिका ग्रुप का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षक श्वेता मधु मटके ने महिलाओं को गरबा का खास प्रशिक्षण दिया। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता मधु मटके है। मैं फ्यूजन जुम्बा डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के ओनर और डायरेक्टर हूँ। हम जब से झिंगाबाई टाकली में आए हैं तब से हमने देखा है कि संस्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रणाली ताई मानमोड़े, इनका हमें बहुत सपोर्ट रहा है और इनकी हमेशा इच्छा हुई है कि झिंगाबाई टाकली के जितने भी लेडीज़ हैं उनको हमेशा वो आगे लाते हैं और उनकी ही वजह से जितने भी लेडीज़ हैं वो एक्टिव और अपना आगे जो भी टैलेंट है वो दिखा पाते हैं। तो हम ऐसे ही गरबा इवेंट भी लेते रहते हैं और अभी इस बार हमने संस्कार फाउंडेशन के साथ और अंबिका ग्रुप के साथ हमने भी साथ में मिलके ये गरबा इवेंट किया है और आगे भी हम ऐसे ही गरबा इवेंट करेंगे और झिंगाबाई टाकली के लेडीज के लिए और अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इस गरबा आयोजन को झिंगाबाई टाकली के लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। गरबा के साथ साथ यहां फैशन शो का भी आयोजन किया गया। वहीं विजेताओं को एक से बढ़कर एक पुरस्कार भी दिए गए। नागपुर से NBCN न्यूज़ के लिए एकता गहरवार की रिपोर्ट।